सफलता हाथ लगी है। एडिशनल एसपी पुनीत गहलोत के निर्देशन पर मऊ पुलिस ने लूट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मौके से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, सभी आरोपी खेड़ी सियोत की तालाब के पास बैठकर लूट करने की योजना बना रहे थे। वहीं आरोपियों के पास से लूटे हुए मोबाइल, 4 मोटरसाइकिल, तलवार और चाकू बरामद किया गया। दरअसल 2 दिन पूर्व इंदौर एसपी मयचंद्र जैन नवागत एडिशनल एसपी पुनीत गहलोत के निर्देशन पर मऊ पुलिस एसडीओपी विनोद शर्मा और मानपुर थाना प्रभारी हितेंद्र सिंह राठौर ने मानपुर थाना क्षेत्र में हुए अंधी कत्ल का खुलासा किया था, जहां लगातार मानपुर थाना क्षेत्र व बड़गोंडा थाना क्षेत्र सहित अन्य थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी व लूट की घटनाएं हो रही थी, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा थानों पर की जा चुकी है। उसी को देखते हुए एडिशनल एसपी ने मऊ में प्रेस वार्ता करते हुए लूट व मोबाइल लूट चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खेड़ी सियोत के तालाब के पास लेवर फॉल लाइन पर 10 आरोपियों को लूट करने की योजना बनाते हुए घेराबंदी कर गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस को लूटे गए मोबाइल, 4 मोटरसाइकिल, तलवार, डंडा, चाकू बरामद किए। बदमाशों से पूछताछ पर मानपुर के आसपास क्षेत्र में मोबाइल लूट व अन्य लूट करना कबूल किया। दिनांक 15 और 16 की दरमियानी रात को थाना मानपुर पर थाना प्रभारी हितेश राठौर और उनकी टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खेड़ी सिहोद के पास में एक बड़ा तालाब की पुलिया पर 10 लोग बैठे हैं और वो रापी लगाकर लेबर रोड पर वाहनों को लूटकर डकैती देने की योजना बना रहे हैं। मुखबिर के द्वारा ये जो सूचना गंभीर किस्म की पाए जाने पर थाना प्रभारी श्री राठौर के द्वारा तत्काल 4 टीमें बनाई गई और मुखबिर के द्वारा बतलाए गए स्थान पर रवाना की गई। जब टीमें उस स्थान पर पहुंची, तब वहां पर मुखबिर द्वारा जो बताई गई सूचना थी वह सत्य पाई गई। वहां पर 10 लोग बैठे हुए थे, 4 उनके पास मोटरसाइकिल थी और उनके पास कुछ लठ, कुछ चाकू, कुछ तलवार और अन्य डकैती में उपयोग में लाए जाने लायक सामग्री थी। सूचना की तस्दीक करने पर घटना स्थल पर पहुंचने पर थाना प्रभारी द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने जो अपनी डकैती की योजना की, जो उनकी प्लानिंग थी, उसको स्वीकारा। इसके साथ ही उनसे 4 जो मोबाइल जो जब्त किए गए हैं, उनमें जो 2 मोबाइल हैं वह विगत दिनों में जो डबल लूट केस हुआ था थाना मानपुर में और थाना बड़गोंदा में, वे भी जब्त किए गए। इस प्रकार से मुखबिर की सूचना पर सक्रिय कार्यवाही करते हुए श्री राठौर और उनकी टीम ने न सिर्फ एक बड़ी घटना को अंजाम में लाने से बचाया, बल्कि जो 2 डबल लूट हुई थी उनको भी उन्होंने ट्रेस किया। इसके अलावा यह जो गैंग है 10 लोगों का, अधिकांशतः इनमें से जो लोग हैं गोलखेड़ा, जो थाना मानपुर में गांव आता है, वहां के रहने वाले हैं। ये शातिर किस्म के लोग हैं और गैंग बनाकर लगातार वारदातें इस क्षेत्र में दे रहे थे। इन लोगों ने थाना मऊ और थाना बड़गोंदा में पूर्व में भी 2 मोबाइल चुराए थे, जिसकी भी इन्होंने तस्दीक की है और उन घटनाओं को भी कबूला है। इस प्रकार से लॉकडाउन के दौर में, जनता कर्फ्यू के दौर में, जहां पर सभी लोग इकोनॉमिकली थोड़ा स्ट्रेस में हैं, ऐसी स्थिति में चोर लुटेरों का जो ये गैंग सक्रिय है, इस बड़े गैंग का पर्दाफाश करने में मानपुर पुलिस को सफलता मिली है। इन सभी 10 आरोपियों के विरुद्ध धारा 399 और 402 IPC के तहत केस कायम किया गया है। जिस प्रकार का इनका रिकॉर्ड है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि और भी कई घटनाओं में ये लोग इन्वॉल्व रहे होंगे, जिसकी तफ्तीश मानपुर पुलिस टीम द्वारा की जाएगी। मानपुर पुलिस और थाना प्रभारी श्री राठौर की टीम के द्वारा जो ये सराहनीय कार्य किया गया, उस पर SP पश्चिम महोदय श्री महेशचंद जैन द्वारा 5,000 का इनाम इन्हें नगद टीम को दिया गया है।